भी इसका घना योगदान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कहिए, आप सब लोग को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, विद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो, रेलवे स्टेशन को चमकाने की बात हो, आरोप की बात हो, सारे काम को लालू जी ने किया। आज अगर पूरे देश में रेलवे अगर चल रहा है तो पूरे देश का रेलवे का चक्का करना करना सारा चलता है। काम तो अनेकों है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि उनका विधायक खरीद लिया बीजेपी वाला। हम कह रहे थे मेरा तो सीएम के घर जाकर मेरे हमारे चर्चा भी पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान था, सम्मान करेंगे। पिता तुल्य है और हम आगे भी उसको इज्जत और सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी आते हैं क्या बोलते हैं, चाहते कि हम अपने मुंह से हम क्या बोलें। मोदी जी के सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, तेज कीजिए, तेज कीजिए, साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए, साउंड आवाज रही है, साउंड बढ़ाइए, साउंड निकाले शो होगा। बोल दीजिए भैया, अरे आप खुद बोल दीजिए भैया, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। जो तुम्हारे को सरकारी नौकरी देगी, तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा। मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आपके दस साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है, कितना बाईपास अभी है हम लोगों का, पर्सा का, गड्ढा का, लिवी गेज का, ये हमने अभी मोदी जी के लिए झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है भटका झूठा, मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले कि दूसरों के हलवा बनाते हैं, उनके बाप को भी प्रोत्सन करेंगे। एक तो विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है, ये है मोदी जी, इसको ध्यान नहीं करता, मौका नहीं काम करेगी। इसलिए आप सब महान मतदाताओं से यही अपील रखता है, अगले भाइयों चाहे पिछड़े भाइयों चाहे आपके पिछड़े भाइयों दलित हो, सब लोग अत्याचार भाई एकजुट होकर के देश के संविधान लोकतंत्र और भाईचारा के बचाने का काम करना। बीजेपी के लोग लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहता है।
है, किसी माई के नाम में धर्म नहीं है। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में तो कुछ नहीं किया, आपने केवल हवाबाजी की, झूठ बोलो छुपेबाजी की। अब काट की हांडी बार बार लेके आती है, ये आप खबर लेगा क्या कीजिए। अब आपके झूठों में झूठ में सारा सिद्धांता फंसने वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं है। एक बार यहाँ फिर से लाल टेन जो है चलने का काम करेगा। लेकिन आप सब लोगों से, सभी नौजवानों को काफी भूख पे टाइम लगेगी जरूरत है, लेकिन गांधी चंद्र भवन बनाने का जरूरत है। अभी कितना समाज में जाइए, दलित भाई में जाइए, अब तक के भाई में जाइए, सबको छोड़ने का काम करना है। बताओ मेरा सजेशन क्या है, एक काम आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। सभी गरीब सभी लोगों की बोली अपील के लिए, आप ये काम कर लीजिएगा तो फिर हर भूत पर लाते चलेगा। इसलिए आप सब लोगों के बीच में इसके बाद ही हम लोगों का कार्यक्रम है, लोगों को पगड़िया जाना है कॉलोनी में, फिर हाजीपुर वैशाली से हर जगह कार्यक्रम है। सौ विधानसभा में आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ का हर एक नौजवान रोहिणी जी, आपके नेता नहीं बल्कि आपकी बहन है, आपकी बेटी बेटी और बहन बन करके आप लोगों का सेवा करने का काम करें। लोग सब लोग चाहते थे हमारे पिता की कदर भूमि रही, गांधी जी की इच्छा रही कि अपना प्रतिनिधि जो है सारे को देने का काम करें। इसलिए सभी लोगों का राय लोकसभा लोग, सभी नेता लोग, सभी जनता लोग, कार्यकर्ता लोग मांग पर रोहिणी जी को लालू जी ने टिकट देने का काम किया। आप सब लोगों को आप सब लोगों को लाज रखना है, आप सब लोगों को सारण सीट को जिताना है। जो लोग जीतते हैं लोग हवा हवाई लोग है, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा, लोग मोदी जी को वोट देगा। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो लायक नहीं है, मोदी जी के लोग देख के वोट करें कि हमारा मोदी जी के यदि खुद मान रहे कि वो सक्षम उम्मीदवार नहीं है। मोदी जी छोड़ो, जो लोग कहता है कि मोदी जी को ऊपर देके वोट देखो, तो मोदी जी नीचे गरीब के देखे केवल पूंजी पर नहीं देखते हैं, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, हवाई जहाज हवाई अड्डे बेच दिए, वोट बेच दिए, एलआईसी बेच दिए, सब बेचते रहा। सोचिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, राहुल जी का यशवी जी, धीराजा जी, शरद कुमार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, शैलेश जी का, हम सब विपक्ष का सरकार करेगा। तो तेजस्वी ने 5 लाख बिहार में नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी के व्यवस्था करके आगे लेकिन ये मेरा भी दबा करके बैठा। 7 विभाग में नौकरी निकलवा करके आए, 5 लाख मिट्टी पकड़ दिलवाए, 3 लाख और करा करके आए, बाकी है वो भी निकलना है, हम लोग लड़ेंगे वो भी निकलवाएंगे। लेकिन इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम है। देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी। अगली
नानी जी के जमाने में लोग 3 रुपया था, अभी 50 रुपया।